हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा, रक्तदान पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा इस वीडियो में कि रक्तदान पर किस तरह हमारा ब्लड डोनेट किया जाता है, क्या क्या हमें फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर। दोस्तों, पूरा देखिए इस वीडियो को। और इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता जी जाती है, ब्लड निकाला जाता है एंड उस ब्लड में हीमोग्लोबिन मिल चुका है। वेट भी बताना पड़ता है, तो आप वेट भी काउंट करते हो एंड देन जाते हैं, आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना होता है। और दोस्तों, जब भी आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, गो थ्रू जाते हैं, तो जो भी आपका टेस्ट होता है उसका रिजल्ट के बेसिस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपसे ब्लड लिया जाएगा। करने के बाद आपसे 300 से 400 ml ब्लड लिया जाता है। टेस्ट क्वालिफाई कर लिए हैं और यहाँ से मुझे मिलेगा बैग। तो दोस्तों, ब्लड देने के क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है, कैंसर जो होने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। आपके अंदर अगर आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो वो भी आपसे मैनेज कर लिया जाता है ब्लड देने से। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं और सेल्स दोस्तों नए बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके बॉडी में। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं ब्लड देने के। और दोस्तों, एक खास फायदा ये है कि अगर आप एक परसेंट ब्लड देता है तो उससे 3% की जान बचाई जा सकती है, 3% के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, ये थोड़ा सा हॉरिबल है, थोड़ा सा डरावना है, बट ये काफी यूजफुल है आपके लिए भी। नहीं, इस कॉल को प्रेस करने के लिए। और दोस्तों, जैसे हम अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसके बाद हमें कुछ खाने के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि कोई फ्रूट्स जूस वगैरह आप देख रहे होंगे। और दोस्तों, उसके बाद हमें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप सभी देख सकते हैं, ये हमें सम्मानित किया जाता है इस सर्टिफिकेट से। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपना खून कैसे बढ़ाएं, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज आप सभी जरूर कमेंट करें ताकि मैं फुल उस वीडियो को बना सकूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट करें।